हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और यहाँ पे एक डाटा कुछ शेयर करूँगा आपके साथ और बहुत खुशी होगी आपको ये जानकर। और आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं है आपको पता चलेगा। तो अगर मार्च का डाटा देखते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी सिर्फ स्कीम्स, म्यूचुअल फंड में डेट भी है, गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड भी होते हैं, यहाँ पर इक्विटी की बात करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अट्रैक्टेड ए नेट सम ऑफ रुपीज 28,463 करोड़ इन मार्च, मेकिंग इट द 13th कंसेक्यूटिव मंथली नेट इनफ्लो एमिड वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट इन्वायरमेंट एंड कंटिन्यूड FPI's सेलिंग। मतलब कि मार्च के महीने में 28,463 करोड़ का इनफ्लो गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और ये लगातार 13वां महीना है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर में जो नेट है वो इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो नहीं हुआ है। इतनी ज़्यादा मार्केट में वॉलीटिलिटी थी, लगातार अक्टूबर नवंबर से ही FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जिस कारण से मार्केट पे प्रेशर बना हुआ था। और फरवरी मार्च में तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के कारण मार्केट लगातार डाउन जा रहा था, फिर भी जो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, जो म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर हैं, वो डर के भागे नहीं मार्केट से, वो इन्वेस्टेड रहे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही करी। अगर बात करते हैं कि लास्ट दिसंबर में 25,000 करोड़ का इनफ्लो गया था, उसके बाद जनवरी की बात करें तो वो कम हो गया, 14,888 करोड़ पे आया। देन फरवरी में 19,705 करोड़ पे गया एंड मार्च में तो 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा चला गया। तो कहने की बात ये है। और इसके मुकाबले अगर हम देखते हैं कि डेट फंड्स, तो डेट फंड्स में लगभग 1.15 लाख करोड़ का आउटफ्लो गया है पिछले मंथ में। ये फरवरी में 8000 करोड़ का इनफ्लो हुआ था, फरवरी के अंदर डेट फंड्स में 8000 करोड़ का इनफ्लो हुआ, लेकिन मार्च के अंदर लगभग 1.15 लाख करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। तो लोग डेट फंड से ज़्यादा इक्विटी फंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। और हो बे क्यों ना, जिनके पास 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का टाइम है, उनको डेट फंड में इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, वो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से रिटर्न जनरेट करेंगे। तो इसीलिए मैं, आप देखते हो, मैं डेट फंड की बात नहीं करता, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास टाइम है 25 साल 30 साल का, तो उनको डेट फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास टाइम है इतना, तो आप सबसे सही काम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट। देखो पूरी जो इंडिया की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में इंडियन से इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया की अगर बात करें तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, SIP कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि हर महीने में, मतलब पिछले 13 महीने से सोचो तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इनफ्लो ही आ रहा है, आउटफ्लो नहीं हुआ है, जबकि पिछले 13 महीने में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी हुई। आगे चल के कभी आउटफ्लो हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कोई तो आउटफ्लो हो जाएगा, लेकिन अभी लंबे कुछ टाइम तक, क्योंकि देखो तो पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल एजुकेशन भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसका सीधा सीधा रीज़न यूट्यूब है। यूट्यूब के कारण ही फाइनेंशियल एजुकेशन इतना ज़्यादा बढ़ना पॉसिबल हो पाया है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपने ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं कि मार्केट जब गिरती है तो सेलिंग का टाइम नहीं होता, वो परचेजिंग का टाइम होता है। आपको अपने पैसे को इन्फ्लेशन नाम के राक्षस समझ लो, उससे बचाने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। और अगर आपके पास मिनिमम पाँच साल से ज़्यादा का टाइम है, तो इक्विटी मार्केट बेस्ट प्लेस है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए और उस पर अच्छा से अच्छा जनरेट करने के लिए रिटर्न। तो अभी ये चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी है, और वो चीज़ हमें यहाँ पे डाटा में भी दिख रहा है। जो MFI, जो ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है, वो हर मंथ इनफ्लो आउटफ्लो का डाटा रिलीज करती है, तो उसी के डाटा रिलीज में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये रिपोर्ट थी मनी कंट्रोल की, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हो। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आउटफ्लो नहीं आ रहा है, मनी का इनफ्लो आ रहा है, जबकि मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है उसके बाद भी, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है इंडिया के अंदर, इसका सीधा साधा सबूत है ये। तो आप अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? स्टॉक में नहीं करो डायरेक्ट, मत करो स्टॉक में डायरेक्ट, नहीं समझ में आता मत करो डायरेक्ट स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो।
बहुत बढ़िया है, सेफ तरीका भी है और आप अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर लोगे।